ओम श्री गणेशाय नमः। आज गणपति बप्पा का मैसेज यहाँ पे लिया जा रहा है गाइस, कि गणपति बप्पा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पे गिविंग गाइडेंस का कार्ड आया है, तो आपके लिए गणेशा ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप फाइंडिंग सॉल्यूशंस, यानी आपके अंदर कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन जो है मांग सकते हैं ईश्वर से, अपने पेरेंट्स से, या अपने इन लॉ से, या अपने फ्रेंड से। अगर आप अपने फ्रेंड से, इन लॉ से, पेरेंट्स से अगर गिविंग गाइडेंस लेते हैं, तो उस कार्य में जिसमें बाधा आ रही है या परेशानी आ रही है या विघ्न आ रहा है, उसका सलूशन आपको जरूर से ज़रूर मिलेगा गाइज। क्योंकि यहाँ पे गणेशा बोल रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ समस्याओं से घिरे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे फाइंडिंग सॉल्यूशंस, यानी आप कुछ ना कुछ समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। तो आप किसी बड़ों से आप गाइडेंस ले सकते हैं, या ईश्वर से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दिल की बात बता सकते हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर सॉल्व होगी गाइस। आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी धार्मिक भावना का विकास हो रहा है, यानी आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है गाइस। आप सबकी मदद करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबके मदद के लिए आप तुरंत तत्पर रहते हैं। आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है गाइस। तो आपका कर्मा जो है बहुत ज़्यादा गुड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह आप गुड कर्मा करते रहिए, अपने कर्मों का वहन करते रहिए। और यहाँ पे गणेशा बोल रहे हैं कि आप अपने संघर्षों से, दुखों से घबराएं नहीं, बल्कि फेथ रखें, मुझ पर फेथ रखें, विश्वास रखें, और खुद में भी कॉन्फिडेंस रखें, तभी आप आगे जाएंगे, सक्सेस होंगे, सफल होंगे। और आपको कुछ ही दिनों में कुछ ऐसी भारी अथॉरिटीज़ मिलने वाली है गाइज, यानी अथॉरिटीज़ मतलब आपको कोई बड़ा काम मिलने वाला है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सफल और सक्सेस रहेंगे गाइज। और इस अथॉरिटी के आने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रहना पड़ेगा, नियंत्रण में रहना पड़ेगा। ये अथॉरिटीज़ कुछ भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, पैसे से संबंधित हो सकती है, पद से संबंधित हो सकता है, एजुकेशन से संबंधित हो सकता है, या फिर राजनीतिक से भी संबंधित हो सकता है। यानी आपको ऊंचा पद, पैसा, हर एक चीज़ मिलने वाला है। यानी आपको आने वाले समय में नेम, फेम, प्रसिद्धि मिलने वाली है गाइस, वो भी बहुत